भोजपुरी की बहुचर्चित फिल्म डमरू का रिलीज डेट आज आउट कर दिया गया है। फिल्म डमरू 6 अप्रैल से देश भर के सिनेमाघरों में भोजपुरी संस्कृति और मिट्टी की सुगंध लेकर आ रही है, जो भोजपुरी सिनेमा में जान फूंकने का भी काम करेगी। एक अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म डमरू की गूंज भोजपुरी सिने प्रेमियों को गुदगुदाएगी, हंसाएगी और मनोरंजन के हर पहलुओं से रूबरू कराएगी। इस फिल्म का निर्माण में काफी शानदार तरीके से किया गया है। इसके निर्देशक रजनीश मिश्रा हैं, जो पहले भी भोजपुरी सिनेमा में लीक से हटकर फिल्में बना चुके हैं। रजनीश मिश्रा ने फिल्म मेहंदी लगा के रखना और मैं सेहरा बांध के आऊंगा के जरिए भोजपुरी सिनेमा की नई पहचान गढ़ने की कोशिश की, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। फिल्म डमरू उसी सीरीज की एक फिल्म है जो भोजपुरी सभ्यता, संस्कृति और समाज की आत्मा के करीब है। वहीं फिल्म मेहंदी लगा के रखना में पिता की भूमिका में नजर आने वाले इंडस्ट्री के वर्सटाइल एक्टर अवधेश मिश्रा और इस बार फिल्म डमरू में भगवान शिव की भूमिका में होंगे।